अस्सलाम वालेकुम। जेली के लिए मैंने 1 लीटर पानी बॉइलिंग रखा है, फिर हम प्लेट्स में सेट करेंगे। आप जेलेटिन भी डाल सकते हैं और चाइना ग्रास भी, ठीक है। ये फ्लेवरलेस है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। 1 लीटर पानी के लिए 1 टेबलस्पून भर के जेलेटिन भी अच्छा है और चाइना ग्रास भी बहुत नॉर्मल रहेगा। थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ ताकि जो जेली है वो बिल्कुल फीकी ना हो जाए। फिर मैंने चाइना ग्रास ऐड करके, ये भी चूल्हे पे ही है, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। एक जोश आते ही मैंने प्लेट्स में डाल दिया है, खुली प्लेट्स में। आप स्टील की प्लेट्स भी ले सकते हैं, बस आपको बहुत थिन लेयर लगानी है। फूड कलर्स ऐड कर दें, मेरे पास लिक्विड फूड कलर्स थे, आप पाउडर्ड फूड कलर्स भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल सेट हो गई हैं। तब तक मैं क्या करूंगी, थोड़े से पानी में तुकमलंगा जो है वो भिगो दूंगी और ताकि ये फूल जाए। उसके बाद मैंने 2 से 3 लीटर था एग्जैक्ट दूध, और उसमें मैंने जामेश्वरी डाल दिया। आप रोज सिरप भी ले सकते हैं। तुकमलंगा जो है वो अच्छा सा फूल चुका है, वो भी इसमें डाल दिया है और मिक्स कर लें। बहुत जबरदस्त कलर था इसका, मुझे पता नहीं है वीडियो में ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा, अब जो है सारी जेलीज कट कर लें। ये सेट हो गई थी, बाहर भी रखेंगे तो ये सेट हो जाएगी। आपको फ्रिज में रखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं जल्दी से आपको सब दिखा रही हूँ, सब कट कर ली थी, अच्छे से सेट हो गई थी। बहुत थिन लेयर रखिएगा ताकि आप जब इसको किसी को दें या खुद भी पिए तो अच्छा लगे। ये सारे स्लोमोज बनाए थे लेकिन मैं जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ सारी कलरफुल जेलीज कैसी लग रही है इसमें। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, और ये बिल्कुल रेडी था। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। आई विल वेट फॉर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।